गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स फंक्शन को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स एंड कोसेकंड इनवर्स फंक्शन को स्टडी करेंगे। फंक्शन तो जी हमारे पास कॉट फंक्शन का ग्राफ है विद डोमेन रियल नंबर माइनस एंड मल्टीपल ऑफ पाई। बिकॉज आपके यहाँ फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं होगा, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, सो ऑन। इसी तरह माइनस पाई आपके पास, माइनस पाई, माइनस टू पाई, अप टू सो ऑन। तो इसके हमारे पास डोमेन क्या आ गई, आर रियल नंबर्स माइनस एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। और रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की हमारे पास, ऑल रियल वैल्यूज। तो जितनी भी रियल वैल्यूज हैं इसकी हमारे पास वो क्या होगी, रेंज। अब हमने सेम प्रोसेस यहां पे भी चेक करेंगे कॉट फंक्शन हमारे पास इनवर्टिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करते थे हम, बाय हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे थ्रू द कर्व, एट हेयर इट इज आल्सो इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट। तो हम कहेंगे ये हमारे पास फंक्शन क्या है, वन वन नहीं है। तो सेम प्रोसेस वन वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहां से कहां तक हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो से पाई। तो जीरो से पाई हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला इसका ग्राफ आ जाएगा फ्रॉम जीरो से पाई। इसके बाद अब हमने चेक करना है व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन फ्रॉम जीरो टू पाई के फंक्शन आपके पास क्या है, वन वन एंड ऑन टू है या नहीं। तो सेम प्रोसेस वाई ड्राइंग हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, वी ड्रा द हॉरिजेंटल लाइन, इट इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, सो वी से इट इज वन वन। ऑन टू के लिए रेंज एंड कोडोमेन चेक करते थे, दोनों अगर इक्वल थी तो हमारे पास फंक्शन क्या था, ऑन टू। तो जहां पे इसकी रेंज क्या है हमारे पास, आर, और आपके पास कोडोमेन भी कितनी है, आर, कोडोमेन भी कितनी आ जाएगी, आर। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो अब इसका क्या करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका इनवर्स देख लेते हैं बाय इंटरचेंजिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। इस ग्राफ को अगर हम इसकी एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स फंक्शन का, विद आपके पास जहां पे जो डोमेन और रेंज थी कॉट फंक्शन की वो भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। तो जहां पे इसकी आपके पास डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज हमारे पास फंक्शन हमने वो रिस्ट्रिक्ट किया था फ्रॉम जीरो टू पाई। तो रेंज कितनी आ जाएगी हमारे पास, जीरो टू पाई ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, बिकॉज ये जीरो और पाई पे फंक्शन आपके पास डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन जीरो एंड पाई। तो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी ओपन ब्रैकेट जीरो से पाई। इसको विजुलाइज करेंगे बाय मिरर इमेज अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू x। तो जो येलो वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स का ग्राफ है, एंड पिंक वाला हमारे पास कॉट x का। तो अगर हम ये लाइन है इसका मिरर इमेज ड्रा करें तो हमारे पास ये वाली इसकी क्या आ जाएगी, मिरर इमेज। तो जो कॉट इनवर्स फंक्शन है उसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, एंड आपके पास रेंज क्या होगी, जीरो से पाई। अब हम क्या चेक करें, ये फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है या इवन। ऑड फंक्शन के लिए क्या चेक करते थे हम, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट आपके पास क्या होना चाहिए था, सिमेट्रिक, इफ बी रोटेट इट 180 डिग्री। तो आपके पास ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है ओरिजिन के अबाउट, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन सिंपली हम क्या करते हैं, जीरो से अगर हम लाइन को क्रॉस करें तो वन साइड तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, बट अदर साइड इट नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। तो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है अबाउट ओरिजिन।
और सेकंड के लिए हम चेक करेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसे चेक करते थे हम, इसको क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक किसके अक्रॉस, वाई एक्सिस के। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसके अक्रॉस आपके पास अगर मैं लाइन ड्रा करूं, इस साइड तो आपके पास राइट साइड, लेफ्ट साइड तो आपके पास कर्व है बट राइट साइड नहीं है, कॉज ये नीचे की तरफ है, आपको ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और आपके इसका मतलब ये क्या है, आपके पास इवन फंक्शन भी नहीं है। तो कॉट इनवर्स आपके पास क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। और जहां पे हमारे पास अब कोसेकेंड फंक्शन का ग्राफ है जी, तो इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज माइनस एन मल्टीपल ऑफ पाई, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन एन मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे पाई, टू पाई, थ्री पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई पे ये फंक्शन क्या आपके पास है डिफाइंड नहीं है। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी, और रियल नंबर्स व्हाट माइनस माइनस वन टू वन के बिटवीन इसकी कोई भी वैल्यू लाई नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से माइनस वन और माइनस वन और वन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पे। तो अब हमने चेक करना है वही, जो फंक्शन आपके पास वन वन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, वाय ड्राइंग द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द कर्व। तो ये क्या कर रही है, आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट्स पे। तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या आपके पास वन वन नहीं है। तो सेम प्रोसेस, वन वन कैसे आएगा आपके पास, हम क्या करेंगे इस फंक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे लगाएंगे, फ्रॉम माइनस पाई, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट आल्सो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, और जीरो पे भी ये फंक्शन आपके पास क्या है डिफाइंड नहीं है। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे इसकी डोमेन पे, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और साथ में जो ये जीरो वाला पॉइंट है ये भी माइनस कर दें, बिकॉज इस पॉइंट पे भी ये फंक्शन क्या होगा आपके पास डिफाइंड नहीं है। तो इसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस जीरो, और इसकी रेंज क्या आ जाएगी, और रियल नंबर्स सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रॉम माइनस वन टू वन, बिकॉज माइनस वन और वन के बिटवीन इसकी कोई भी वैल्यू लाई नहीं करेगी। उसके बाद ये वाला आपके पास ग्राफ हो जाएगा इस फंक्शन का, माइनस पाई बाय और पाई से जहां तक, और ये जीरो वाली लाइन आपके पास है डिफाइंड नहीं है। तो इसको कैसे चेक करें, बाय हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, इफ वी ड्रा द हॉरिजेंटल लाइन इट कट द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट। तो अब क्या कहेंगे, हमारे पास ये क्या है, फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी, ओनली ये वाला चेक करना है हमने जहां पे इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई, माइनस पाई से ये वाला और पाई बाय टू तक, और ये वाली लाइन भी हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं जीरो वाला, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन जीरो। तो जहां पे ओनली वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया जहां पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या आपके आपके पास वन वन है। ऑन टू के लिए अगर आपके पास रेंज किसके इक्वल हो, कोडोमेन के, तो जहां पे रेंज भी हमारे पास क्या है, आर माइनस माइनस वन से वन, और कोडोमेन भी सेम है आर माइनस माइनस वन से वन। तब इसका इनवर्स ग्राफ देखते हैं, वह इंटरचेंजिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आपके पास ये इसका इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा अगर आप इंटरचेंज कर दो एक्स और वाई एक्सिस को। तो इनवर्स में हम किसको स्टडी करते थे, ओनली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को, विच इज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस जीरो। तो सेकेंड इनवर्स है आपके पास, उसकी आपके पास डोमेन क्या आ जाएगी, इसमें डोमेन आ जाएगी आपके पास और रियल वैल्यूज माइनस माइनस वन से वन तक, और इसकी रेंज क्या होगी आपके पास, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस जीरो। तो ये इसका ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास डोमेन की वैल्यूज हो जाएंगी अक्रॉस द एक्स एक्सिस, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस रिगार्डिंग इसकी रेंज आ जाएगी। तो रेंज जीरो पे डिफाइन नहीं है, इसलिए माइनस
फाइव बाय टू से फाइव बाय टू तक, यहां से यहां तक। और विजुलाइज करें हम इसका बाय मिरर इमेज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास, येलो वाला हमारे पास क्या है, कोसेकेंड इनवर्स का है, और आपके पास ये पिंक वाला है कोसेकेंड एक्स का। तो इसके क्रॉसिंग आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं बाय मिरर इमेज। अब हमने देखना है जो आपके पास कोसेकेंड है, कोसेकेंड इनवर्स है, ये आपके पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो हम क्या करते थे, इसको रोटेट कर देते थे ग्राफ को 180 डिग्री। उसके बाद अगर ये सिमेट्री था अबाउट ओरिजिन तो हम कहेंगे ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो जहां पे अगर इसको हम रोटेट कर दें 180 डिग्री तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा अबाउट ओरिजिन। तो ये क्या है आपके पास, ऑड फंक्शन है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन। ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा सेकंड फंक्शन का विद डोमेन रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी आपके पास, आर माइनस माइनस वन से वन, बिकॉज माइनस वन और वन के बिटवीन इसकी कोई भी वैल्यू लाई नहीं करेगी। देखिए इसका आपके पास ऑपोजिट था कॉस फंक्शन का, तो वो उस पर डिफाइन था माइनस वन से वन के बिटवीन, और ये अदर वैल्यूज अदर देन माइनस वन से वन। तो अब हमने वही चेक करेंगे जो आपके पास फंक्शन क्या है, वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो वन वन के लिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, वी ड्रा द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द कर्व। तो जहां पे भी ये क्या आ रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, फंक्शन वन वन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे इसकी डोमेन पे। तो डोमेन कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दें हम इसकी, अगर हम इसकी डोमेन जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू पे रिस्ट्रिक्ट लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो आपके पास इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जीरो से पाई माइनस पाई, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन पाई बाय टू, पाई बाय टू पे आपके पास ये डिफाइंड नहीं है। रेंज आपके पास वही सेम रहेगी, आर माइनस आर माइनस माइनस वन से वन। तो अब ये वाला आपके पास ग्राफ है, ये क्या हो जाएगा, अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वन वन भी होगा, ऑन टू भी होएगा, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते थे, एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे, तो आपके पास सेकंड इनवर्स का ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू की हम स्टडी करते हैं, जो इसकी क्या आपके पास है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये अलग से आप देख सकते हो इसका ग्राफ, ये वाला आ जाएगा अगर आपने इसकी ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जहाँ पे कंसिडर की, फ्रॉम जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू को हम एलिमिनेट कर देंगे जहां से। तो ये सेकंड इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो सेकंड इनवर्स आपके पास फंक्शन है विद डोमेन आर माइनस माइनस वन बाय वन, और आपने इसमें रेंज क्या आ जाएगी, जीरो से पाई माइनस पाई बाय। तो इसकी आप मिरर इमेज भी चेक कर सकते हो, ये मिरर इमेज आ जाएगी, विजुलाइज कर सकते हो इसको। तो ये सेकंड इनवर्स का ग्राफ था, सेकंड का ग्राफ था आपके पास पिंक वाला, और ये येलो वाला इसके अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी सेकंड इनवर्स एक्स का हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ये फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है या इवन। ऑड के लिए क्या करते थे हम, अगर फंक्शन को 180 डिग्री रोटेट कर दें अबाउट रीजन तो ये आपके पास क्या होना चाहिए था, सिमेट्रिक होना चाहिए था अबाउट रीजन। बट अगर हम इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री तो आपके पास क्या आएगा, ये रीजन के अबाउट सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ऑड फंक्शन नहीं है। इसी तरह हम इवन फंक्शन क्या चेक करते थे, सिंपली
अगर देखना हो, हम एक लाइन ड्रा कर देते थे परपेंडिकुलर द वाई एक्सिस, आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड तो ये इंटरसेक्ट कर रही है बट वाई एक्सिस के राइट साइड आपके पास कर्व नहीं है, तो ये क्या आपके पास वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक नहीं है, तो जो सेकंड इनवर्स है आपके पास नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अब हमारे पास ये सभी इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज का हमारे पास ये पूरा टेबल है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 2। अब हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू 2 किस पे होती है, हमारे पास कितनी डिग्री पे होती है, और हमारे पास ये होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, पाई बाय 6। तो सिंपली इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। सेकेंड क्वेश्चन है, हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड इनवर्स की 2/√3 पे, तो 2/√3 पे आपके पास सेकेंड की वैल्यू कहाँ पे होती है, 2/√3 मतलब 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री आपके पास जहाँ पे भी किस पे होगा, पाई बाय 6। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए, तो सेकेंड की हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0π-π/2, तो इसके बिटवीन आपके पास क्या कर रही है, ये वैल्यू लाई कर रही है, और आपके पास कोसेकेंट की भी ये वाली वैल्यू इसमें लाई कर रही है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। एक बात और, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता सेकेंड इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर क्या आता आपके पास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वाला फंक्शन हमने जहाँ पे इसकी इनपुट है डोमेन है 1/2, तो सेकंड इनवर्स की हम डोमेन चेक करते हैं, तो सेकंड इनवर्स की हमारे पास डोमेन क्या आएगी, r-1/1। इसका मतलब जो भी हमारे पास -1 और 1 के बिटवीन वैल्यूज हैं उस पे फंक्शन आपके पास क्या है, सेकंड इनवर्स डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब 1/2 पे आपके पास क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास नॉट डिफाइंड, तो इसकी हम कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जो वैल्यू हम जहाँ पे इनपुट में जहाँ पे पुट कर रहे हैं वो उसकी डोमेन में लाई कर रही है या नहीं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, कॉट इनवर्स आपके पास √3 की प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास क्या आएगी। अब कॉट की वैल्यू √3 किस पे होती है हमारे पास, वही 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। और इसकी हमारे पास क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से π, तो इसमें भी हमारे पास ये वाली वैल्यू लाई कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कोसेकेंट इनवर्स -√2। अब कोसेकेंट किस टाइप का फंक्शन था, हमने अभी स्टडी किया था ये ऑड फंक्शन था, तो जो भी ऑड फंक्शन होता है हम कैसे लिखते हैं उसको, नेगेटिव आगे आ जाता है आपके पास कोसेकेंट इनवर्स √2, तो कोसेकेंट की वैल्यू आपके पास √2 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे मतलब पाई बाय 4 पे, आगे नेगेटिव है आपके पास नेगेटिव लगा दिया, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड इनवर्स -2। तो हमारे पास सेकंड इनवर्स किस टाइप का फंक्शन था, ना तो हमारे पास ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, तो सेम कैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉस इनवर्स नेगेटिव के लिए भी चेक किया था, तो वहां पे हमने ग्राफिकली भी उसको देखा था, तो इस टाइप के फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आते थे, पाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स 2। तो सेम आपके पास यहाँ पे केस है, कौन कौन से फंक्शन, कॉस इनवर्स आपके पास, सेकंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, जो ना तो 1:1 थे ना ही 1:2 थे, तो वो सेम प्रोसेस है, सभी किसके इक्वल आएंगे, इनके नेगेटिव फंक्शन किसके इक्वल लिख लेंगे हम, पाई माइनस जहाँ पे आपके पास सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस सेकंड इनवर्स 2 है, तो सेकंड की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होती है हमारे पास, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को लिखते हैं हम पाई बाय 3, तो पाई में से पाई बाय 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया,
टू पाई बाय थ्री, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और जो हमारे पास ऑड फंक्शन थे जैसे साइन इनवर्स फंक्शन था, टैन इनवर्स था और कोसेकेंड इनवर्स था, वो सेम सभी का सेम प्रोसेस रहेगा। और जहाँ पे कॉस इनवर्स, नेगेटिव सेकेंड इनवर्स, नेगेटिव एक्स एंड कॉट इनवर्स नेगेटिव वाले में आपके पास ये सेम पाई माइनस वो फंक्शन आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद आप बच्चों ने सभी ने होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करना। थैंक यू।